अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काजमी और आप देख रहे हैं काजमी अली का। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने सिंगल सीसीटीवी कैमरे को लाइव करना है तो अपने मोबाइल या लैपटॉप वगैरह पे कैसे लाइव कर सकते हैं। दोस्तों डीवीआर की कास्ट काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपने एक कैमरा ही चलाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ईजी कैप, हमारे पास एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है, इसके थ्रू आप बड़ी आसानी से अपने सिंगल कैमरे को व्यू या लाइव कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। मेरे पास ये एक ओल्ड सीसीटीवी कैम पड़ा हुआ है, इसके साथ मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके मोबाइल पे चेक करवा देता हूँ। ये दोस्तों इसकी वीडियो केबल है, एक पावर के लिए कनेक्टर है, तो मैं पावर इसको एक अडाप्टर है उसके थ्रू दे देता हूँ। ये मैंने पावर इसको लगा दी हुई है। अब इजी कैप के साथ थ्रू करने के लिए मुझे जस्ट सिंगल ऑडियो वीडियो केबल चाहिए, तो मैं कोई भी केबल लेके इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। केबल का दूसरा सिरा मैं इसके साथ वीडियो वाली, येलो वीडियो वाली है, तो इसके साथ मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब आ रही है इसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करने की, इसे मैं मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने दोस्तों मोबाइल से इसे कनेक्ट कर दिया है। ये यूएसबी कैम वाली ऐप है, इसकी ओपन हो गई है, देख सकते हैं ये मेरे कैमरे ने अब वीडियो दिखाना शुरू कर दी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों इस ऐप में और भी काफ़ी फंक्शंस हैं, यानी आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्नैपशॉट पिक्चर वगैरह ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। इसमें आप अपनी रिकॉर्डिंग सेव भी कर सकते हैं और इस पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर ले लेगा। ये मैं आपको मोबाइल पे चेक करवा रहा हूँ। इसके अलावा ये पीसी पे भी आप इसका सॉफ्टवेयर करके वो भी आप कर सकते हैं, वो भी कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। दोस्तों इजी कैप मैंने अपने लैपटॉप के साथ लगा ली है, अब मैं आपको चेक करवाता हूँ इसका। मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ इजी कैप का, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा जो सीसीटीवी कैम है, ये देखें जी, इस पे भी सीसीटीवी कैम वर्क कर रहा है, इसके थ्रू भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अगर कोई बंदा अपनी शॉप वगैरह पे या कहीं भी सिंगल सीसीटीवी कैम इस्तेमाल करना चाह रहा है तो उसे 3500 4000 का डीवीआर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास मोबाइल या लैपटॉप पीसी वगैरह है तो वो इजीली अपनी वीडियो, अपनी कैमरा की वीडियो यहाँ पे कैप्चर या व्यू कर सकता है।